अटकने में नहीं है, प्रॉब्लम अटक अटक के बोलने में नहीं है, प्रॉब्लम पॉजिस ले लेके बोलने में नहीं है, प्रॉब्लम र को ल बोलने में नहीं है, फिर प्रॉब्लम क्या है? सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, और मैं यही चाहूंगा ये साल आप सबके लिए बहुत ही अच्छा रहे, बहुत ही लकी रहे, और आप बहुत इसके अंदर जो भी आपके लाइफ में आपके गोल्स हैं आप उनको इजिली अचीव कर सको। तो अभी मैंने आपको एक लाइन बोली कि प्रॉब्लम अटकने में नहीं है, प्रॉब्लम हकलाने में नहीं है, प्रॉब्लम तो तुलाने में भी नहीं है, यानी कि र को ल बोल रहा हूं वो भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंडसेट हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब देखो यहां पे होता क्या है, हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। मैं इरिटेट किसी चीज से क्यों हो जाऊंगा जब मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा? मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे फाइनल एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए और मैं मेहनत उतनी नहीं कर रहा और जब रिजल्ट आता है मेरे नंबर कम आते हैं तो मैं इरिटेट होता हूं। अब ये तो कोई सेंस ही नहीं बनी, मैंने मेहनत तो कम करी, फिर मैं कैसे एक्सपेक्ट ये कर सकता हूं मेरे पूरे नंबर आएंगे? ऐसे ही हमारी स्पीकिंग में हो रहा है, हम मेहनत उतनी नहीं कर रहे जितनी हमें करनी चाहिए और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, मैं बहुत जल्दी रिकवरी हो जाऊं, मेरा टकना बिल्कुल सही हो जाए, मैं हकलाना बिल्कुल सही हो जाए और मेरा र या हो या ल हो या कोई भी अक्षरों में बिल्कुल क्लैरिटी से बोल जाऊं, विद इन मिनिमम टाइम पीरियड में बहुत जल्दी ठीक हो जाऊं। जी वर्ड है ना जल्दी, ये जल्दी आपको मरवा रहा है, ये जल्दी ही आपकी बड़ी सबसे बड़ी मिस्टेक है। तुम हर काम को जल्दबाजी में ही तो कर रहे हो, तभी तो अटक रहे हो, तभी तो हकला रहे हो, तभी तो र का लो बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी, जल्दी के चक्कर में। अब इसका सॉल्यूशन क्या हुआ फिर? सर मैं अपनी स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं लेकिन वो कंट्रोल नहीं होती, मैं कंट्रोल की तो बात ही नहीं करता कभी भी। मैं किसी को भी अगर ऑनलाइन सेशन भी देता हूं मैं ये वर्ड नहीं यूज करता कि आपको स्पीड कंट्रोल करनी पड़ेगी, मैं ये यूज करता हूं कि आपको नॉर्मल स्पीड में बोलने की हैबिट बनानी है। अभी तक जो गलत आदत अगर बन चुकी है जिसमें आपको लग रहा है मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अगर वही चीज अगर कंटिन्यू करोगे तो कॉमन सेंस की बात है रिजल्ट नहीं मिलेगा। सर मैंने उसका सेशन लिया, सर मैंने उसका सेशन लिया, उसने मुझसे इतने पैसे मांगे, उसने सर ऐसे किया वैसे किया, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं जो अपनी नॉलेज से आपको हेल्प कर रहा हूं अगर उससे आउटपुट आपको मिल रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और लोगों को मिल रहा है। हवा में उड़ाई हुई मैं कोई बात नहीं बोलता, जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लोगों के मेरे सामने आ रहे हैं वही मैं शेयर कर रहा हूं। अब वो रिजल्ट आप कितना अपने ऊपर अच्छे से निकाल रहे हो डिपेंड्स ऑन यू। अब इसका मतलब क्या है? मेरा एग्जाम है, मुझे ही तो मेहनत करनी पड़ेगी, साहिल सर थोड़ी आपके बिहाफ पे मेहनत करेंगे। एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं ठीक हो जाऊं, मेरा टकना ठीक हो जाए, हकलाना ठीक हो जाए, तुतलाना ठीक हो जाए, लेकिन मेहनत मैं उतनी नहीं करूंगा, साहिल सर करेंगे जो करेंगे बस। ये माइंडसेट है आजकल लोगों का। एक ऑनलाइन सेशन मैंने दिया किसी को तो वो कहता है कि सर मेरे को हाँ वहां पे मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो भी अच्छे से आया और जो उसका राइट मेथड था वो भी मैंने अच्छे से बोला, लेकिन जब मैंने एक हफ्ता प्रैक्टिस किया तो मेरे को वो रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने साहिल सर को दोबारा फोन किया, हेलो सर मेरे को ना रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? मेरा आपसे बस एक ही क्वेश्चन होता है, मैं 7 दिन का आपको 1 वीक का वर्कआउट देता हूं, वो 7 दिन मैं आपसे एक ही बात बोलता हूं फोन पे, मुझे अपने 7 के 7 वीडियो भेज दीजिए, मुझे अपने 7 वीडियोस भेज दीजिए जो आपने वर्कआउट किया डेली बेसिस पे। अगर वो आपके पास, अगर आपने अपनी मेहनत की 7 वीडियो बनाने में और अगर आप मुझे वो भेज रहे हैं 7 के 7 वीडियो, देन यू आर एलिजिबल टू से कि हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। और मैं ये इस चीज की आप मुझसे शर्त लगा सकते हैं, अगर 7 के 7 वो वीडियो रेगुलर बेसिस पे अगर आपके बन रहे होंगे तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता आपको रिजल्ट ना मिले। अब वीडियो कहते हैं कि सर मैंने 1 दिन बनाया, सर जो आपने वर्कआउट बताया मैंने 2 दिन किया, फिर मेरे से हुआ नहीं, फिर मैं इरिटेट हो गया। इरिटेट क्यों हुए? तो मुझसे हुए क्या? नहीं, अपनी गलती की वजह से इरिटेट हो रहे हो, फिर तुम एक्सपेक्ट भी कर रहे हो ठीक हो जाऊं, सब कुछ तुमने होच पोच कर दिया। ऐसा नहीं होता भैया,
अपना माइंडसेट पहले बिल्कुल साफ रखो कि मुझे सही करना ही करना है, कुछ भी हो जाए मुझे ठीक होना ही होना है, मुझे अटकने से बाहर निकलना ही निकलना है, मुझे हकलाने को बिल्कुल खत्म करना है, मुझे अपना र को ल, ल को र, जो भी आपका राइट साउंड है बिल्कुल वैसे बोलना ही बोलना है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जब ये माइंडसेट होगा तब आपको रिजल्ट भी जरूर मिलेगा। अब 50% एफर्ट के साथ आप सोचो 100% रिजल्ट आ जाए, कभी ऐसा हो सकता है? अगर मैं हैंडपंप भी मार रहा हूं ना, हैंडपंप मारने के लिए जमीन में से उस समय पानी आता है जब उसके अंदर पूरी मेहनत लगती है, मैं मारते मारते हैंडपंप रुक जाऊं तो पानी जितना ऊपर आता है वो पानी उससे ज्यादा नीचे चला जाता है। अब यही हमारे साथ हो रहा है, एफर्ट किया थोड़े दिन, एक दिन दो दिन तीन दिन, वो रिजल्ट आने ही वाला था, हिम्मत हार गए, हैंडपंप छोड़ दिया, सब वेस्ट हो गया। अब फिर तुम सोचते हो कि सर मेरे को ना ये फीलिंग हो रही है वो फीलिंग, अपनी गलतियों से सीखो। एक बात हमेशा कहूंगा, अपनी गलतियों से सीखो, उसको रिपीट मत करो, गलती रिपीट होगी रिजल्ट नहीं देगी आपको। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती तो एक ऑनलाइन सेशन लेके आप देख सकते हैं, और फॉर मोर इंक्वायरीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आप सबकी हेल्प के लिए कभी भी साहिल पीछे नहीं हटेगा, इस बात को दिमाग में रखना। साहिल मलिक आप सबकी हेल्प करने के लिए आया तो हेल्प हमेशा करेगा, 101% जरूर दूंगा मैं अपना, लेकिन आप कितना मुझे एफर्ट करके दिखा रहे हो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।